गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और अभी हम सोम का क्वेश्चन कर रहे थे। सोम में अभी हमने एसएफडी बीएमडी और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल खत्म कर लिया है, ठीक है। अब तीसरा पार्ट कर रहे हैं हम शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस का, ठीक है। तो उसमें हमने 650 तक कर लिया था, अभी 651 से अब शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज कहना चाह रहे थे कि ये वीडियो एसएससी जेई, डीडीए जेई और झारखंड जेएसएससी जेई के लिए, साथ में उत्तराखंड के लिए तो अब ये चल ही रहा है। तो ये इसमें तीनों, ये तीनों चारों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये आपको मोर देन इनफ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप इसको देख रहे हो ना, एटलीस्ट समझ भी रहे हो, तो भी आपको बहुत ही ज्यादा, मतलब आपको बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप इसको सिर्फ उत्तराखंड के प्रपोज से ना ले, ये आपको एसएससी जेई और डेफिनेटली आप सब एग्जाम दोगे ही, एसएससी भी दोगे, डीडीए भी दोगे और जेएसएससी भी दोगे, और उत्तराखंड पीएससी की जो कैंसिल हुआ, जिन्होंने भरा होगा वो तो देगा ही देगा, तो आप वो भी दोगे, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 650 तक हमने कर दिया था कल, 651 से प्रोसीड करते हैं। व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ द बीम दैट is 20 centimeter wide and 20 centimeter wide and is subjected to shear force 10,000 kg. It may be noted that in this case the maximum shearing stress कितना दे रखा है, 30 kg per centimeter square. तो आपको यहाँ से पता चल रहा है subjected to depth of beam depth, इतना beam का depth और width दे रखा है। तो अगर मैं इसको एक ये मान के चलूं, और इसका आपको दे रखा है क्या, इसका डी दे रखा है और विड्थ दे रखा है 20 सेंटीमीटर का, इसको मैं मान देता हूं 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा। तो इस केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या लिखते हैं, 3/2 टाउ एवरेज, और टाउ एवरेज को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 3/2 बी बाय सी, यानी कि शियर फोर्स डिवाइड बाय एरिया, एरिया को बी और डी मैं लिख के चल रहा हूँ। तो आपको यहाँ से अब यहाँ पे पुट करिए, टॉमैक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, 30 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्वल टू 3/2, और शियर फोर्स कितना दे रखा है, 10,000 केजी, और आपको यहाँ पे क्या बच गया, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर इंटू डी, डीबी सेंटीमीटर का ही आएगा। चलिए ठीक है, तो अभी हम इसको निकालते हैं कि इसमें अपने को क्या मिलता है। तो अभी डी का वैल्यू आपको, डी किस में आएगा, जिसमें आना होगा वो आ जाएगा, अभी सब सेंटीमीटर में रखें तो डी सेंटीमीटर में ही आएगा। अभी हम इसको सॉल्व करके चलते हैं, और सॉल्व करके चलते हैं तो इसमें हम देखते हैं क्या कि इसका ये कलर चेंज कर देता हूँ मैं, व्हाइट है और इसको मैं ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, अब इसको काटपीट कर दीजिए, केजी से तो केजी गया, केजी से आपका केजी गया, और ये सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर तो आपको चला गया, तो यहाँ बच गया एक सेंटीमीटर नीचे बच गया। और अब इस 1000 को काटिए, ये तो 10 बार में ये चला गया, दो से काटिए तो ये दो से नहीं, चलिए हाँ ठीक है, दो से काटेंगे, दो दुना चार और एक जीरो, ये तो चला ही गया ये जीरो, और चार से काट रहे हैं तो इसको हो गया ये 4/25 250, और एक जीरो ये भी कट गया, एक जीरो ये भी कट गया, अब बाकी को वो कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये डी आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, तो डी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, यहाँ तो कुछ नहीं, सारा काट पिट गया, एक सेंटीमीटर इधर चला गया और ये बच गया यहाँ 25, ठीक है ना, तो ये बच गया 25, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, डी का वैल्यू आया आपका कितना 25 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 651 का क्वेश्चन आप क्या मार्क करोगे, इसका आंसर मार्क करोगे आप 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो चलिए आपका ऑप्शन सी हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 652, इफ द शियर, इफ भी डिनोट्स द शियर फोर्स, अगर भी को, अगर आप बोल रहा है ये भी को अगर हम शियर फोर्स बोल रहे हैं, एट अ पर्टिकुलर सेक्शन अलोंग द स्पैन ऑफ बीम हैविंग द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, विड्थ एंड डेप्थ इतना है, देन द शियर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस। देखिए अगर आपका ये बीम है
और ये रेक्टेंगल सेक्शन है, इसका बी दे रखा है और डी दे रखा है, तो इस केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस पे कितना लिखते हैं? इस केस में लिखते हैं 3/2 टॉ एवरेज। इस केस में रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल के केस में लिखेंगे 3/2 टॉ एवरेज, 3/2 टॉ एवरेज, और इसको एवरेज टॉ एवरेज 3 इसको लिख सकते हैं 3/2 टॉ एवरेज को लिख सकते हैं शियर फोर्स पर यूनिट एरिया इसमें लिख सकते हैं, और इसको ही और सॉल्व करेंगे 3/2 शियर फोर्स डिवाइड बाय आपको एरिया को लिख दीजिए b into d रख देंगे, तो आपको यहां से क्या मिलेगा 3b by 2bd आपको ये आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन आपको किसमें मिल जाएगा अगर ये h दे रखा है, और यहां तो मैं d बोल रहा हूं, अगर ये h के टर्म में दे रखा है तो फिर ये h हो जाएगा, तो आप जहां जहां भी वो रख रहे हो तो फिर ये h हो जाएगा, इसको मिटा के h कर देता हूं मैं, और मैं तो नॉर्मल लेके चल रहा था, तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस पे है और ये क्या है, ये आपका एच है, ये आपका एच है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बी डी, बी के जगह डी के जगह पे एच लिख दोगे, ठीक है बी के जगह पे एच लिखा तो क्या हो गया 3/2 वी बाय पी एच, देख लीजिए आंसर किस में आ रहा है टॉमैक्स, टॉमैक्स का वैल्यू 3/2 बी एच, आपका आंसर आ जाएगा बी 552 का आ जाएगा 2 बी एच ये वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं 653 पे, द टी सेक्शन शोन इन द फिगर द डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप, न्यूट्रल एक्सिस टॉप से आपको बोल रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस बताइए कि कहाँ होगा, इसको बोल देंगे वाई बार, अगर सपोज दैट यहाँ हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है, अगर मैं इसको न्यूट्रल एक्सिस मान के चलूँ, ठीक है अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं फिलहाल के लिए इसको मानता हूँ A1 और इसको मानता हूँ A2, ठीक है ये पूरा हो गया आपका A2 और ये पूरा हो गया आपका A1, ये पूरा मैं मान के चल रहा हूँ ये A1 है, तो अभी मैं अगर बात करूँ सेंटर वाई बार की, अगर मैं अभी वाई बार की बात कर रहा हूँ, अगर मैं सीजी की बात करूँगा तो अभी क्या करूँगा मैं, आपको पता है वाई बार इक्वल टू A1Y1 प्लस A2Y2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2, ठीक है अब A1 का वैल्यू रखिए, A1 का वैल्यू क्या रखोगे 400 into 100 into इसका ये Y1 बार कितना हो जाएगा, Y1 कितना हो जाएगा, Y1 को यहाँ रख दीजिए कितना 50, और अगर मैं Y2 की बात करूँ तो Y2 की बात करता हूँ तो टॉप से अगर ये होता है 250 ये भी होगा 250 तो Y2 का टॉप से कितना हो जाएगा 100 प्लस 250 दैट इज 350, तो चलिए यहाँ पे रखेंगे A2, A2 को रखेंगे 500 इंटू 100 इंटू 350 और डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाय प्लस ये हो जाएगा 500 इंटू 100 और इसको लिखूंगा मैं 400 इंटू 100, ठीक है और ये तो बीच में हो गया प्लस, ठीक है चलिए आगे सॉल्व करेंगे, इसको हो जाएगा ये टू, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस ये हो जाएगा आपको 2 और 2 4, ये हो जाएगा 5 into 350 into 10 to the power 4 डिवाइड बाय 9 into 10 to the power 4, ठीक है तो ये हो गया, ये हो जाएगा कितना 350 into 5 plus 200, ये हो गया 950 डिवाइड बाय 9 और ये आपका कट गया, ये 10 to the power 4 ये 10 to the power 4 और ये 10 to the power 4 कट गया, तो इसको लिखेंगे डिवाइड बाय 9 किया तो आया 216.66 ये आया वाई बार, ठीक है तो इसका ऑप्शन आपको कौन सा मैच कर रहा है, ये आ गया सेंटर से, यहाँ से आ गया ये वाई बार, अगर मैं इसको वाई बार बोल दूं तो वाई बार का वैल्यू आ गया कितना, वाई बार का वैल्यू होगा 216.66 यानी कि इसको 217 भी बोल सकते हैं, तो
अगला ये 553 का, 553 का आंसर क्या कौन सा हो गया, 216। तो ये 216 दैट इज ऑप्शन डी मैच कर, ठीक है 216 बोल दीजिए या 217 बोल दीजिए, 216.166 है, इसमें 217 का ऑप्शन नहीं है तो इसको 216 मान के चल लेंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, 353 हो गया, 54 पे आते हैं। द सेक्शन मॉडुलस ऑफ द होलो सर्कुलर सेक्शन एट द आउटर डायमीटर डी एंड इनर डायमीटर डी, सेक्शन मॉडुलस को क्या लिखते हैं, जेड इक्वल टू आई बाय वाई लिखते हैं और जेड को लिखते हैं क्या पाई बाय 64 डी टू दी पावर 4, यानी कि कैपिटल डी टू दी पावर 4 और इनर डायमीटर को डी बोल रहा है तो डी टू दी पावर 4 और ये डिवाइड बाय वाई का वैल्यू लिखेंगे तो डी बाय 2 लिख के चलेंगे। ठीक है तो पाई बाय 64 डी टू दी पावर 4 माइनस डी टू दी पावर 4 इंटू 2 पर और डी नीचे 2 से 2 कट गया 32 तो ये क्या हो गया पाई बाय 32 डी इंटू डी टू दी पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू दी पावर 4, ये आ गया जेड अब हॉलो सर्कुलर सेक्शन का। ठीक है चलिए अब इसको मैच कर लीजिए, पाई बाय 60 पाई बाय 32 पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पाई बाय 64 बता रहा हो, पाई बाय 32 आपका ऑप्शन मैच कर गया डी टू दी पावर 4 बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 665 पे आते हैं। द शियर स्ट्रेस ऑन अ बीम ऑफ अ सेक्शन इज, शियर स्ट्रेस को उनको कैसे क्या लिखते हैं, टॉ इक्वल टू बी ए वाई बार अपॉन आई बी, तो शियर स्ट्रेस क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई बार, और वाई बार क्या है, वाई बार क्या है डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम सी जी, या फिर डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर ऑफ सी जी, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई बार डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, या फिर ये लीजिए डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है तो कहां पे होगा, एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन, न्यूट्रल एक्सिस पे सेक्शन पे हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, एट द सेंट्रोइड पे नहीं होगा, एट द एक्सट्रीम फाइबर सरफेस नहीं, एट द फ्री एज नहीं, ये हो जाएगा आपका। ठीक है एट द न्यूट्रल एक्सिस नॉट एट द सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस का हो जाएगा। अब आइए 556 पे आते हैं, द बीम इज सेड टू बी हैव एंड सब्जेक्टेड टू टू प्योर बेंडिंग, देखिए प्योर बेंडिंग का केस आपको एसएफडी बीएमडी में बहुत अच्छे से प्योर बेंडिंग कम से कम 10 बार बताया होगा, प्योर बेंडिंग के लिए और प्योर बेंडिंग आपको बेंडिंग मोमेंट क्या होना चाहिए, प्योर बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होना चाहिए, डीएम बाय डीएक्स क्या होना चाहिए आपको कांस्टेंट होना चाहिए, और शियर फोर्स क्या होना चाहिए, शियर फोर्स आपका जीरो होना चाहिए और प्योर बेंडिंग के लिए ये दो कंडीशन है। ठीक है चलिए आपका ऑप्शन कौन सा है, शियर फोर्स कांस्टेंट थ्रू आउट द स्पैन, शियर फोर्स कांस्टेंट थ्रू आउट द स्पैन, और उसके बाद लोड अप्लाइड ऑन द यूडीएल थ्रू द स्पैन, द लोड अप्लाइड एट द मिड ऑफ स्पैन ओनली एंड द नन ऑफ द एबव, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द बीम इज सेड टू बी, द बीम इज सेड टू बी इन प्योर बेंडिंग, तो बीम इज सेड प्योर बेंडिंग में क्या होगा, प्योर बेंडिंग के लिए व्हेन जहां पे शियर फोर्स जीरो होगा और बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट होगा, इसमें कोई भी ऑप्शन लिखा हुआ नहीं है, शियर फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द बीम, शियर फोर्स कांस्टेंट तो बोल रहा है लेकिन बेंडिंग मोमेंट का कंडीशन इसमें बताया नहीं है, और इसमें यूडीएल थ्रू आउट द स्पैन एसएफपी सपोर्टेड है, अ बीम इज सेड टू बी हैव सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं मान, अभी तो कोई नहीं मान सकते, लेकिन एक ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, शियर फोर्स इज नहीं, ये भी मैच नहीं कर, शियर फोर्स कांस्टेंट बता रहा है, ये शियर फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है, ये जीरो होता है, शियर फोर्स जीरो होता है, तो ये गलत हो गया, यूडीएल होता नहीं है, मिड स्पैन में होता नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो गया नन ऑफ द दिस, तो आपका ऑप्शन हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 557 पे आते हैं, द बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 100 mm wide and 200 meter deep if the subjected to the shear force 20 kN then maximum shear stress पूछ रहा है, बोल रहा है कि एक rectangular cross section है, rectangular cross section है और इसका जो है so shear force क्या बोल रहा है, एक मिनट, ये आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और ये बोल रहा है कि बीम ऑफ रेक्टेंगुलर 100 mm wide है और 200 mm deep है, 200 mm deep है। ठीक है बोल रहा है, इस केस में क्या बताइए, इस केस में कह रहा है कि द सेक्शन सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स 20 kN, अगर शियर फोर्स 20 kN है तो बोल रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताइए,
इस केस में बोल रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताइए। इस केस में अगर हम टॉ मैक्स की बात करें तो इस केस में क्या लिखते हैं, 3/2 टॉ एवरेज, 3/2 टॉ एवरेज को बी बाय एरिया लिख सकते हैं, 3/2 इंटू शियर फोर्स कितना दे रखा है, शियर फोर्स दे रखा है 20 किलोन्यूटन, और एरिया का एरिया आपको दे रखा है कितना, 100 × 200, ये दे रखा है 200, ठीक है, 200 mm, और न्यूटन पर एमएम में दे रखा है, तो इसको न्यूटन बनाने के लिए इसको लिख दीजिए 10^3, इसको लिखिए मल्टीप्लाई करके इंटू टेन टू दी पावर थ्री, ये हो गया न्यूटन, ये हो गया एमएम स्क्वायर, और आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा। क्या हो रहा है, 3, 1, 4, 0 कट गया, 1, 2, 3, 4, 0 कट गया, 3, 0, 1, 4, 0 कट गया, 2 से ये फिर 2 कट गया, तो ये क्या हो गया 1.5। तो टॉ मैक्स का वैल्यू क्या आया, टॉ मैक्स इक्वल टू 1.5 आया, तो 1.5 न्यूटन आपका आंसर हो गया डी। तो इसको 657 का आंसर डी। 658 पे आते हैं, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ फॉर अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज, रेक्टेंगुलर टोटल ट्रांसवर्स शियर फोर्स बी एंड एंटायर क्रॉस सेक्शन ई। तो बोल रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ रेक्टेंगुलर, टॉ मैक्स ऑफ रेक्टेंगुलर ऊपर वाला ही 3/2 टॉ एवरेज, और इसको 3/2 b/area लिख सकते हैं, तो 3b/3b/ ये हो गया टॉ मैक्स को क्या लिख सकते हैं, टॉ मैक्स को लिख सकते हैं 3b/2a, इसको लिख सकते हैं टॉ मैक्स 3b/2a। तो अब ऑप्शन पे आ जाइए, ऑप्शन आपका मैच कौन सा कर रहा है, सी मैच कर, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 3b/2 हो गया, 559 पे आइए, 559 द इंपॉर्टेंट अजम्पशन दैट द डेरिवेशन ऑफ द एम बनी, इसको बोलते हैं फ्लेक्जर फॉर्मूला, नोटेशन ऑफ देयर यूजुअल मीनिंग, द बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन अंडर द फ्लेक्जर, बोल रहा है कि अन इंपॉर्टेंट एजम्पशन कौन सा है, वो है न्यूट्रल एक्सिस पासेस थ्रू द सेंट्रोइड, न्यूट्रल एक्सिस लाइज अबव द सेंट्रोइड, न्यूट्रल एक्सिस लाइज बिलो द सेंट्रोइड, और नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन क्या है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको डेराइव करते टाइम पे हम लिखते हैं एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर, ये होता है इसको, इसको बेंडिंग फॉर्मूला या फ्लेक्जर फॉर्मूला बोलते हैं, और इसको डेराइव करते समय एक एजम्पशन होता है कि न्यूट्रल एक्सिस जो है आपका पास करेगा सेंट्रोइडल एक्सिस से, तो इसका 559 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन में कुछ नहीं करा, ये तो एजम्पशन था और ये आपको पता भी होगा, और 560 का, द शियर स्ट्रेस एट अ सेक्शन इन अ बीम इज जीरो एट, शियर स्ट्रेस एट अ सेक्शन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई एक मान लीजिए ये मैं एक बीम मानता हूं और मैं इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे शियर स्ट्रेस की बात कर रहा है ना, तो शियर स्ट्रेस यहाँ पे टॉ मैक्स होगा, टॉ मैक्स होगा ऊपर और नीचे जीरो होगा, ठीक है, सेंटर पे मैक्सिमम होगा। तो बोल रहा है जीरो एट कहाँ होगा, एक्सट्रीम पे टॉप या टॉप फाइबर या फिर बॉटम फाइबर, वही होगा एक्सट्रीम टॉप या एक्सट्रीम बॉटम पे ही होगा, तो इसका ऑप्शन हो गया ये, आपको शियर फोर्स डायग्राम से देखा गया, आप किसी का भी बना लीजिए, आप अगर ट्रायंगल का भी बनाओगे ना, ट्रायंगल का भी बनाओगे तो आप कुछ इसी टाइप से बनाओगे, ठीक है। तो आपका ऊपर में जीरो नीचे जीरो, यहाँ पे आपको टॉ मैक्स का, टॉ मैक्स एट न्यूट्रल एक्सिस पे और टॉ मैक्स एट एच, अगर आप उसको तोड़ोगे तो h/2 और h/2 पे मिलेगा आपको, ठीक है, तो वहां पे भी मिलेगा, लेकिन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन फाइव, ये हो गया कितना 60 तक है, इस अगला क्वेश्चन पे आते हैं 661 में कह रहा है कि द वेरिएशन ऑफ द शियर स्ट्रेस एट अ सेक्शन ऑफ अ बीम इज, वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस का वेरिएशन बोल रहा है एट अ सेक्शन ऑफ अ बीम, शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस की बात करेंगे, अगर मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करूं तो ये क्या होता है 6b/bdq, और ये होता है क्या d² / 4 होता है y स्क्वायर, ये होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपको मैं बात कर दूं सर्कुलर सेक्शन के लिए, तो इसको इस सर्कुलर सेक्शन में क्या लिखते हैं 4b/3πr^4 r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये हो गया सर्कुलर के लिए,
सर्कुलर के लिए, और ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए क्या लिखते हैं, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए लिखते हैं 12b/bhq hy minus y square, ये हो गया आपको ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए, सेक्शन के लिए। अब इसमें देख लीजिए शियर स्ट्रेस वेरिएशन पैराबोलिक पैराबोलिक पैराबोलिक, तो ऑल केस में शियर स्ट्रेस वेरिएशन कैसा हो गया, पैराबोलिक पैराबोलिक वेरिएशन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑल केस में, ऑल केस में पैराबोलिक हो गया, तो ये हो गया पैराबोलिक। चलिए 5661 हो गया, 662 पे आता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ हाइट डी एंड बेस विड्थ बी ऑफ अ सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द बेस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, एक पहले ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन बना देते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन हाइट क्या बोल रहा है इसका, हाइट है इसका डी और बेस है इसका बी, ठीक, देन सेंट्रोइडल एक्स बी सेंट्रोइड एक्सिस पैरेलल टू द बेस, सेंट्रोइडल एक्सिस पैरेलल टू द बेस, तो इसको इसका क्या लिखते हैं, इसका बेस के अबाउट अगर लिखेंगे तो इसको लिखते हैं, अगर हम न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, अगर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लिखेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस में क्या लिखते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के केस में आई न्यूट्रल एक्सिस में क्या लिखोगे, ये बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की बात कर रहा है, तो न्यूट्रल एक्सिस में क्या लिखते हैं, बी डी क्यू, बी डी बोल रहा है ना, बी डी क्यू बाय 36, ठीक, या बी एच क्यू बाय 36, वो एच अगर मानते हैं तो, और अगर हम इसके बेस पे बात करें, अगर यहाँ पे बात करें एट बेस पे बात करें, तो बेस पे अगर हम बात करें, बेस पे मोमेंट एट इनर्शिया एट बेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट बेस ये होता है बी एच क्यू, सॉरी बी डी, बी डी क्यू या डी है, एच नहीं है यहाँ पे डी है, इसको मैं डी लिख के चलूंगा, ये होता है बी डी क्यू, बी डी क्यू बाय 12, ये बेस पे होता है बी डी क्यू बाय 12, ठीक है। और मैं अगर आपको एक सेक्शन और बता देता हूँ, अगर मैं अगर सब रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया एट न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, बी एच क्यू बाय 36, बी एच क्यू बाय बी डी क्यू बाय 12 होता है ना, बी डी क्यू बाय 12 होता है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, बी डी क्यू बाय 12, और न्यूट्रल एक्सिस एट अबाउट अगर मैं इसको मान लूँ कि ये बेस पे है, अगर ये बेस पे है, बेस पे निकालना हो तो न्यूट्रल एक्सिस एज बेस, तो इसको लिखते हैं बी डी क्यू बाय 3, ठीक है, तो इसको लिखते हैं बी डी क्यू बाय 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेस के अबाउट हो गया, बेस के अबाउट हमने लिख दिया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे में आते हैं BDQ by 12, BHQ by 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, 562, 563 पे आते हैं, और सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी कैरीज अ ट्विस्टिंग मोमेंट दैट डेवलप्स द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इफ द शाफ्ट इज रिप्लेस्ड बाय हॉलो देन आउटसाइड डायमीटर डी और डायमीटर और इनसाइड डायमीटर बोल रहा है डी बाय 2 देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बोलते हैं। इसमें देखिए कि कैरीज अ ट्विस्टिंग मोमेंट बोल रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट के केस में शियर स्ट्रेस को क्या लिखते हैं, टॉमैक्स लिखते हैं 16t/πdq और सॉलिड के लिए, और ये कैसे आता है t/j = τ/r = g θ/l, टॉर्क लग रहा है तो t/j = τ/r को कंपेयर करना है, तो टॉ को लिखते हैं हम क्या, t/j = t/j into r, ठीक है, और इसको अगर हम लिखेंगे t/j को t लिखते हैं, j को लिखते हैं π/32, d^4, और r को लिखते हैं d/2, तो ये कितना हो जाता है 16t/πdq, क्योंकि ये d और ये d आपका कट गया, ये d और ये d कट गया, तो यहाँ बच गया 3 और 2 से कट गया 16 को रीअरेंज कर दीजिए तो tau max का वैल्यू कितना आया, टॉम एक्स का आया 16t/πdq और सॉलिड के लिए, ठीक है, सॉलिड के लिए आपको सॉलिड के लिए बता दिया। अब बात कर रहा है यहाँ पे, अभी ये बात कर रहा है हॉलो के लिए, ठीक है, और सॉलिड, और टॉम एक्स फॉर हॉलो के लिए बात करेगा, हॉलो के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें इसी फॉर्मूला को मैं हॉलो के लिए यहाँ पे लिखता हूँ,
इसको टी बाई जे इंटू आर, इसको हॉलो के लिए ड्राइव कर दे रहा हूँ। हॉलो के लिए अगर मैं ड्राइव करूँ तो हॉलो के लिए क्या हो जाएगा, टी तो टी ही रहेगा, जे को क्या लिखेंगे पाई बाय 32 और डी टू दी पावर 4 और स्मॉल डी बाय 2 टू दी पावर 4 ये हो गया, और इंटू आर को लिखेंगे डी बाय 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा आपका टी बाय टाउ इक्वल टू, टाउ इक्वल टू ये हो जाएगा टी बाय टाउ इक्वल टू टी बाय पाई बाय ये टू ऊपर चला जाएगा, आर इक्वल टू डी बाय टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 32 इंटू ये हो जाएगा कितना, दो चार सोलह में से एक चला गया तो कितना हो गया, 16 में से एक चला गया तो 15 15 डी टू दी पावर 4 डिवाइड बाय 16 इंटू ये हो जाएगा डी बाय 2, ये यहाँ है डी बाय 2, तो चलिए डी बाय 2 हो गया, इस डी बाय 2 को मिटाइए। तो इसमें अभी हम क्या लिखेंगे, तो ये हो गया 2 से कट गया तो 16, तो 16 गुना 16 यहाँ से क्या आ जाएगा t इक्वल टू 16, 2 से अगर मैं इसको काट दूँ तो ये क्या होगा 16, एक 16 ऊपर चला गया और एक 16 नीचे वाला चला गया तो 16 ऊपर चला गया और t डिवाइड बाय ये हो गया कितना पाई और d से एक d चला गया तो 3 बच गया, तो ये हो गया क्या 15 पाई d क्यू। ठीक है, तो ये हो गया 16 इंटू 16 डी बाय 5 पाई डी क्यू। अब इसको मैं अगर अलग कर दूं तो यही तो है सॉलिड के लिए, नहीं 16 टी बाय पाई डी क्यू, 16 टी बाय पाई डी क्यू ये है आपका सॉलिड के लिए, इसको बोल दिया हमने टाउ, इसको बोला है हमने क्या टाउ, तो इसको क्या लिखेंगे और हॉलो के लिए लिखेंगे, हॉलो के लिए लिखा 16 बाय 15 इंटू टाउ ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं अगर ये टाउ ऑफ सॉलिड को टाउ बोल रहा है, अगर ये टाउ बोल रहा है 16 बाय 15 कितना होता है, 16 बाय 15 करेंगे तो ये होता 1.066 और इसको बोल रखा है टाउ तो 1.066 टाउ, तो 1.066 टाउ आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ये हो गया आपका इसमें पाई बाय कितना नंबर है 663 ना 63 इसका इसका ऑप्शन आपको मैच कर रहा है 1.067 तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपका अ फिक्स्ड बीम 664 पे आ रहा है, अ फिक्स्ड बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन कैरिंग अ पॉइंट लोड एट द मिड स्पैन, अ फिक्स्ड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्म सेक्शन फिक्स्ड इसमें बोल रहा है कैरिंग अ पॉइंट लोड एट मिड स्पैन देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मिडल हाफ लेंथ इज रिड्यूस्ड, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिडल हाफ का रिड्यूस कर दे रहा है तो बोल रहा है कि मिडल हाफ लेंथ ऑफ द रिड्यूस्ड एंड हाफ प्रीवियस वैल्यू देन द फिक्स्ड इन मोमेंट, तो फिक्स्ड इन मोमेंट क्या होगा ये आपको आपको मैंने बता रखा है, आपको एसएफबी बीएमडी में बता रखा है फिक्स्ड बीम क्या हो जाएगा, फिक्स्ड बीम इसका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, और क्यों इंक्रीज हो जाएगा ये मैंने बहुत अच्छे से कम 5 बार इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रखा हूँ पीछे, एसएफबी बीएमडी में ऑलरेडी टाइम वेस्ट है इसमें अब नहीं करूंगा मैं। द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम, बोल रहा है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट दोनों जीरो होना चाहिए, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एट द फ्री एंड, फ्री एंड पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जीरो होना चाहिए कैंटिलीवर बीम के लिए, तो इट कैरीज, तो क्या होना चाहिए अगर मैं एक अगर ये कैंटिलीवर बनाऊं, पहला केस में मैं लेके जा रहा हूं कैंटिलीवर बोल रहा है द पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, अगर पॉइंट लोड फ्री एंड बनाया तो इसका शियर फोर्स कैसे बनाऊंगा, शियर फोर्स ये बनाऊंगा P और ये भी P, और अगर मैं इसका BMD बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा P into L, ये हो जाएगा PL, तो पहला केस में शियर फोर्स जीरो नहीं हो रहा है बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है, तो पहला ऑप्शन तो आपको यही से कट गया क्योंकि शियर फोर्स नॉन जीरो आ रहा है यानी कि P का वैल्यू आ रहा है। दूसरे केस पे आते हैं, दूसरा केस बोल रहा है पॉइंट लोड एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ,
अगर एक कैंटीलीवर है अगर पॉइंट लोड एट मिडल ऑफ इट्स लेंथ लग रहा है तो इसका उसमें बोल रहा है एल बाय टू बोल रहा है, तो इसका शियर फोर्स का बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये पी और यहाँ से जाएगा तो पी पी और पी एट थ्री एंड पे यहाँ पे जीरो, और अगर मैं इसको बात करूँ अगर ये मैं इसका बी एम डी बनाऊंगा तो पी इंटू एल बाय टू ये हो जाएगा पी इंटू एल बाय टू और यहाँ से लेकर के कहाँ तक ये यहाँ तक लग रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा फ्री इंड पे यहाँ पे आपका ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल स्पैन, अगर एक कैंटीलीवर बीम है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और होल स्पैन है, इसका अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाऊँ तो कैसे बनाऊंगा, तो ये तो शियर फोर्स आ जाएगा डब्ल्यू इंटू एल, तो इसको लिखूंगा मैं डब्ल्यू इंटू एल और ये क्या हो जाएगा ट्रायंगुलर, और मैं अगर इसका बी एम डी बनाऊंगा तो कैसा बनाऊंगा, इसका बी एम डी बनाऊंगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू और ये बनाऊंगा मैं पाराबोलिक और लास्ट में क्या हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एट द फ्री इन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम, किस केस में जीरो हो रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो आपको जीरो केस में हो रहा है, जीरो हो रहा है आपको यूडीएल के केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल स्पैन। ठीक है, चलिए आपका आंसर हो गया 565 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 565 का आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 567 पे आते हैं, 566 पे आते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ बीम ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन इज डैश टाइम्स ऑफ बेस सेक्शन, इसमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए कितना लिखते हैं 4/3 टाउ एवरेज, तो ये बोल रहा है कि एवरेज शियर स्ट्रेस के कितना गुना हो जाएगा, तो 1.33 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज हो जाएगा, ये फोर सर्कुलर सेक्शन के लिए, और सर्कुलर सेक्शन के लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए 4/3 होता है, 1.33 टाइम्स ऑफ टॉ एवरेज हो जाएगा, और ये ऑप्शन आपको मैच कर रहा है किसमें, ये ऑप्शन आपका इसके अकॉर्डिंग से मैच कर रहा है 1.33 टॉ एवरेज ना, तो 566 की बात कर रहे हैं तो 1.33 यानी कि बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको 667 पे आइए, द सेक्शन शोन इन द फिगर देन द न्यूट्रल एक्सिस लाई एट, अभी न्यूट्रल एक्सिस के लिए बताया था वही कंसेप्ट, वाई बार इक्वल टू ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू। ठीक है, तो इसको करेंगे, अगर इसको मैं बोल दूं ए वन और इसको बोल दूं मैं ए टू, तो इसको मैं बोल रहा हूँ ए टू और इसको मैं बोल रहा हूँ ए वन, तो चलिए ए वन आप ए टू आपका सेटेड पोर्शन है, A1 के लिए पहले लिखिए, A1 के लिए क्या लिखोगे L इंटू एल बाई टू और Y2 का वैल्यू क्या लिखोगे L बाई टू इंटू वन बाई टू का आधा और प्लस, ये तो हो गया पहले वाले का, दूसरे वाले का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा L बाई टू ये डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस L बाई टू और यहाँ से अगर ये L है और ये डिस्टेंस L बाई टू है तो ये भी तो बच गया L बाई टू, तो L बाई टू इंटू L बाई टू L by 2 into L by 2 और into इसका सेंट्रोइडल एक्सिस की बात करेंगे तो L by 2 प्लस L by 2 by 2 यानी कि L by 4, तो यहां से अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से मैं अगर यहां तक की बात करूं तो Y2 को क्या लिखेंगे L by 2 प्लस L by 4, तो ये क्या हो गया 2 3 3 L by 4, तो इसको लिख दूंगा मैं 3L/4। ठीक है, ये आ गया वाइट। चलिए अब A1 A2 को लिखेंगे L इंटू एल बाई टू और प्लस, और इसको लिखेंगे A2 के लिए L/2 into L/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आगे हम क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया 1/2 L/4 और L²/2, तो ये हो जाएगा L³/4×8 और प्लस इसको लिखेंगे क्या 3L³ / 16 नीचे करेंगे तो L²/4 L²/2 और ये हो जाएगा कितना L²/4। अब आप कर लीजिए गुना और भाग
तो इससे आपको मिल जाएगा, इसमें मैं ऊपर में गुणा कर रहा हूँ 2 से, इसमें भी गुणा कर रहा हूँ 2 से, ऊपर बन गया 16 और इसमें भी मैं गुणा कर रहा हूँ 2 से और इसमें भी नीचे कर रहा हूँ गुणा 2 से। तो ये कितना लिख देंगे मैं 3 और 2 5 5 एल क्यू बाय 16 डिवाइड बाय हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 3L बाय 4। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 5L क्यूब बाय 16 इंटू 4 बाय 3L, ये तो 4 बार में कट गया और ये कट गया कितना L, L और L क्यूब कट गया तो ये बच गया L स्क्वायर। तो यहां से मैं ऊपर लिख रहा हूं, मैं आपको यहां से ऊपर लिख रहा हूं, इस पॉइंट को मैं ऊपर यहां पे लिख रहा हूं, इस पॉइंट को लिख रहा हूं क्या, तो y बार लिखूंगा मैं आपको कितना y बार लिख के दूंगा, ये हो गया 5L स्क्वायर डिवाइड बाय 12, 5L स्क्वायर बाय डिवाइड बाय 12, L स्क्वायर बचा क्या, L स्क्वायर ये कितना बच गया 3L स्क्वायर है ना, ये 3L स्क्वायर बाय 4, तो 3L स्क्वायर बाय 4, L स्क्वायर कट गया तो ये L बचेगा यहाँ पे, ये L बचेगा ठीक है, L स्क्वायर है, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ये यहाँ पे डिवाइड बाय L स्क्वायर और ये भी L स्क्वायर, L स्क्वायर L स्क्वायर कट गया तो ये बच गया 5L बाय 12, y बार हो गया 5L बाय 12 फ्रॉम द टॉप इंड, टॉप से बात कर रहे हैं तो फ्रॉम द टॉप इंड हो जाएगा ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन आपको कौन सा हो गया, इसका हो गया C, ये हो गया आंसर आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5L बाय 12 हो गया। चलिए 668 पे द फॉर अ बीम हैविंग क्रॉस सेक्शन टी एट विच ऑफ द करंट, अगर कोई क्रॉस सेक्शन अगर आपका टी दे रखा है, क्रॉस सेक्शन टी विच ऑफ द फॉलोइंग शियर स्ट्रेस वेरिएशन इज पैराबोलिक बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड द नॉर्मल स्ट्रेस इज लीनियर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। चलिए इसको मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ पहले कि क्या होता है, अगर ये कि टी सेक्शन है, टी सेक्शन है ठीक है, तो अगर मैं अगर इसको मान लेता हूँ ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो मैं अगर इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको बना के दिखाऊं तो कैसे होगा, यहां तक पैराबोलिक, फिर ये आगे बढ़ेगा और फिर वहां से ये पैराबोलिक हो जाएगा, ये तो हो गया शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, लीनियर होगा और यहां तक होगा, ये क्या है, ये है लीनियर, ये है लीनियर, आपको इस साइड में लिख देता हूं। चलिए इसको इधर लिखिए, इसको लिखता हूं मैं, इसको लिख देता हूँ लीनियर, लीनियर और इसको मैं लिख देता हूँ, ये है आपका पैराबोलिक, पैराबोलिक। चलिए अब इसके ऑप्शन पे आइए, इसके में कर रहा है द शियर स्ट्रेस वेरिएशन इज पैराबोलिक, अगर ये शियर स्ट्रेस वेरिएशन है, इसको बोल देता हूं मैं शियर स्ट्रेस वेरिएशन और इसको मैं बोलता हूं ये कौन सा है आपका, ये है नॉर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस क्या हो रहा है, शियर स्ट्रेस इज पैराबोलिक बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ये पैराबोलिक है सही है, तो ये ऑप्शन सही है, यहां तक सही है, न्यूट्रल एक्सिस एंड द नॉर्मल स्ट्रेस इज लीनियर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, ये भी लीनियर है, ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है, तो ये पहला सही हो गया। दूसरे ऑप्शन पे आइए, तो बोल रहा है शियर स्ट्रेस वेरिएशन इज लीनियर एंड नॉर्मल स्ट्रेस वेरिएशन इज पैराबोलिक बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, शियर स्ट्रेस को वेरिएशन को लीनियर बोल रहा है, नहीं है वेरिएशन तो पैराबोलिक है, तो ये ऑप्शन यहां से गलत हो गया, बाकी तो बात करना ही नहीं है, जीरो शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस, ये इस अगला बोथ शियर एंड नॉर्मल स्ट्रेस आर लीनियर अलोंग द क्रॉस सेक्शन, शियर लीनियर तो नहीं है, दोनों तो क्यों नहीं है, एक लीनियर है एक नहीं है, बोथ शियर एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस आर पैराबोलिक अलोंग द क्रॉस सेक्शन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, 668 का ऑप्शन हो गया आपका ए, 668 हो गया, 669 पे आइए, 669 पे कर रहा है अ राइट एंगल ट्राइंगल विच बेस 50 mm हाइट 75 mm इज प्लेस्ड एट द बेस ऑफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन फोर्स देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द पैरेलल एक्सिस पासिंग पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड, बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है
तो मैं एक पहले तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना दिखाता हूँ। ये है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल और जिसका बोल रहा है कि बेस क्या है 50 mm है और इसका जो हाइट है ये बोल रहा है 75 mm है, ठीक है। और सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स एफ देन द मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड। सीजी पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपको पूछ रहा है तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये है आपका सीजी, ये सीजी है, ये कितना हो जाएगा एल बाई थ्री और ये कितना हो जाएगा टू एल बाई थ्री। तो ये 2L/3 की बात करेंगे तो कितना 2 × 75/3 तो ये हो गया कितना 50 × 25 = 50 mm 50 mm। और इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75/3 यानी कि 25 तो ये हो गया 25 mm। अब अगर मैं इस बेस विड्थ की बात कर लूँ, अगर मुझे इस टाइम पे इस आर्ट पे वो मिल गया तो मैं अगर इसकी बात कर लूँ इसको क्या लिखूँ, मैं इसको x मान के चलता हूँ तो इसको मैं कर देता हूँ क्या कि 50/75 = x/50, ठीक है। अब इसको काट कूट कर देंगे तो x का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा कितना 25 × 50 = 75 और ये हो गया कितना 100/3 ये आया 100/3 इसको लिखूंगा मैं 100/3 ये आ गया आपका x का वैल्यू। अब आपको देखिए कि अब क्या बन गया ये, अब ये आपका ऐसा एक ट्राइंगल है, ये सोचिए आप ये एक ट्राइंगल है और यहाँ है 100/3 यहाँ है 50 और बोल रहा है कि इसका आप अब इस पे यही है सीजी, ये सीजी है तो अब बोल रहा है कि मोमेंट अबाउट इनर्सिया अबाउट सीजी निकाल के आप हमको बता दो कि कितना होगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर हम सीजी की बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया बोल रहा है इफ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू सीजी देन पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड एक्सिस, ठीक है। तो इसको अब आपको निकालना क्या है कि इसका नहीं राइट एंगल बेस ऑफ हाइट कितना है एंड हॉरिजॉन्टल सब्जेक्टेड टू अ शियर फोर्स एफ इफ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द पासिंग थ्रू द सेंट्रोइडल पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड एक्सिस इज, तो यहां पे पूछ रहा है आपको टाउ मैक्स का वैल्यू, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्योंकि एवरेज शियर स्ट्रेस दे रखा है। तो अगर हम यहां पे टाउ मैक्स एट न्यूट्रल एक्सिस पे बात करें तो टाउ मैक्स एट न्यूट्रल एक्सिस पे बात करें तो उसको क्या लिखते हैं VAy^IB और शियर स्ट्रेस आपको दे रखा है, शियर स्ट्रेस को बोल रखा है कि शियर फोर्स B को बोल रहा है F है और AY^ एरिया ऑफ सेक्शन बोलेंगे और कंसर्न सेक्शन से ऊपर का, तो ये आपका y बार आएगा और एरिया को लिखेंगे कितना 1/2 × 100/3 × और ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा y^ का वैल्यू लिखेंगे तो y^ हो जाएगा कितना 50/3। इसका y^ की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 50/3 और ये हो जाएगा 2 × 50/3 ये हो गया 50/3। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें हो गया कितना, ये हो गया यहाँ से 50/3 और ये हो जाएगा IB × B की बात करें तो विड्थ आपको दे रखा है कितना, विड्थ है आपको 100/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा 100/3 और 50 × 6 और 50 और F, तो F के टर्म में आ जाएगा सारा वैल्यू ये आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको ये आता है आपको 100 × 50 / 6 / 6 और ये आया गुना 50/3 इतना गुना 3/100 416.66 आ रहा है 416.66 और ये हो गया क्या 416.66 और ये हो जाएगा शियर फोर्स का एफ बच गया है ऊपर नीचे बच गया आई, तो ये हो गया टाउ मैक्स का वैल्यू आपका ये है, ठीक है। ये आपका टाउ मैक्स तो ये आएगा आपका आंसर। चलिए 416.67 एफ अपॉन आई ये ऑप्शन आ रहा है आपको कौन सा में, पहला में, तो आपका ऑप्शन हो गया ए 470 में आते हैं। 470 में कंसीडर द फॉलोइंग बाइंडिंग
स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम। बेंडिंग स्ट्रेस के लिए अगर बात करें तो पहले इसका बेंडिंग ट्रेजर फॉर्मूला लिखिए, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर लिखते हैं। और बोल रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस इज बेंडिंग स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सही बात है, बेंडिंग प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सही है। और बेंडिंग स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर लिखते हैं। और एक चीज और, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वन बाय आर की बात करें इसको बोलते हैं कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्रोपोर्शनल, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको वन बाय आर नहीं पढ़ेंगे कोई, रेडियस ऑफ कर्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सही है। उसके बाद बोल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कर्वेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कर्वेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर तो है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कर्वेचर की अगर बात करेंगे, अगर मैं ये ऑप्शन मान के चलूं, इसके कहने का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये कह रहा है कि सिग्मा ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये आपका नहीं है, तो ये नहीं पॉसिबल है। तो आपका ऑप्शन ये बी वाला गलत हो गया। तो ऑप्शन सही कौन कौन सा हो गया, आपका वन और थ्री सही हो गया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना, सी। ठीक है, तो आपका 670 का ऑप्शन हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे 670 का ऑप्शन हो गया आपका सी। ठीक है, चलिए अभी आगे क्या बढ़े, इसमें लाइट कट गई है, तो अभी का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन कर लेंगे, तो आज वाला भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग और बाकी आराम से देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।